हेलो गाइस, अभी सुबह के बज रहे 11:50 हो रहे, मतलब 12 तो बज गए। तो गाइस गुड आफ्टरनून, आज जा रहे हम बोरवली कोबरा टेंपल। गाइस अभी निकले और देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। पहले सबसे पहले पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, पेट्रोल नहीं है गाड़ी में। पेट्रोल भराना है, हवा भी चेक कर ली है कि हवा कम है। मुझे डाउट है कि पीछे के टायर में थोड़ा सा हवा कम है। चलो गाइस अभी पेट्रोल भरते फिर आगे मिलते। अभी थोड़ा ट्रैक फिर से निकलने फटाफट, ऑलरेडी लेट है बहुत। पावर पेट्रोल भर रहे हैं ये। पावर है ना? हाँ पावर है। किधर है? उधर। ताकि पेट्रोल तो है, फिर इसे जाके आने के लिए वापस लगेगा ना अपने। इसके लिए गाड़ी को बंद करके अढ़ाई सौ पावर ना। हेलो अभी यहाँ से वापस अपने लिए यूटर्न लेना पड़ेगा। आपको यूटर्न लेंगे फिर मिलते हैं। अभी अपन मालाड में पहुँच चुके हैं। ऐसे अपने वो बीच वाला रास्ते से जाना था पीछे वाले, पर वहाँ से कुछ तो फेस्टिवल चल रहे तमिल लोगों का, तो यहाँ से आगे से आ गए। यहाँ से सीधा मेन रोड पे निकलेंगे, वहाँ से निकल चलेंगे। सीधा सीधा जाना है अभी।
गाइस यहाँ पर भी इनका फेस्टिवल है, यही रास्ता दिखा रहा था वहाँ से आने के लिए। अरे रास्ता तो वहाँ से बंद है, यहाँ से चालू दिख रहा है पर वहाँ से बंद है। बीच में पूरा बैरिकेडिंग करके रखा है। यहाँ से भी लेफ्ट लेके यू टर्न लेना है क्योंकि अपने को उस वो वाले रास्ते पे जाना है। पास में तो है नहीं, यहाँ पर पास में एकदम जगह ही ना रखे। अब यहाँ पर भी ट्रैफिक है, यू टर्न तो ले लिया। तो यहाँ से सिग्नल से लेफ्ट लेना है फिर पूरा एंडिंग तक सीधा नारवे विलेज। चलो भाई और 15 किलोमीटर है, मैं सिलेक्ट लेते फटाफट नीचे आ जाए। वैसे अपने वहाँ से लेफ्ट लेके आगे आ चुके हैं। वहाँ से लेफ्ट लेने के बाद सीधा आगे, सीधा 4 किलोमीटर यहाँ से जाएंगे। रास्ता तो खाली मिल ही रहा है, आज बंद कर दूंगा ना आपका आवाज़ नहीं जाएगा, मतलब माइक में बोल नहीं पाऊंगा। इनबिल्ट वाले माइक में बोल रहा हूँ अभी, उसका एक्सेसरीज हमने मंगा लिया, 3 मई तक आ जाएगा। 3 मई बोल रहे हैं पर उससे पहले आ जाएगा, शिफ्ट हो चुका है। एस्टिमेट लास्ट डेट तक अपने उन्होंने टाइम दिया है, बोल रहे वो तारीख तक आ जाएगा। हमें आज सुबह बात कर ली तो बोले कि अपना लास्ट तक सिर्फ डेट देते हैं, उससे पहले आपको डिलीवर हो जाएगा प्रोडक्ट। मैं बोला ठीक है चलेगा, अगर उससे पहले हो जाएगा तो बात अच्छी बात है। पता है क्या हुआ, तो खाने वाला भाई साहब गाड़ी के नीचे देख रहे हैं कि गाड़ी के नीचे से इससे मतलब कुछ फटा वैसे आ जाए और धूल उड़ी बहुत सारी, मतलब कुछ फट गया और ऐसे प्रेशर से हवा उड़ती है वैसे हो गया। तो इसके लिए वो पहले लंबा हो गया फिर दूर से देख रहे हैं क्या हो गया। ठंडी हवा है गाइस, ऐसे उस वक्त जो ऐसे वो उड़ा ना, वैसे तो हम लोग भी उड़ते वाले थे पर बच गए, बहुत बहुत नशीब अच्छा था जो बच गए।
तो अभी तेरा मिलता है बोर्ड पे, बोर्ड पे का गाड़ी लोडिंग होते समय दिखाते हैं। चलो मुझे तो बहुत, मुझे तो समुद्र है आते दिखने लगा, तो दिख रहा होगा। हाथ से तो नहीं है, कहाँ से तो मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा। पोखड़ा के लिए बोट कहाँ से जाती है? पुणे की का? ठीक है, बोट टिकाना जाते है ना। हाँ टिकाना जाते ना बोट। सामने तेरे को बोट आ रही है, तो बन बस ले आराम से। उतर दे तो उतर, अभी ये कहाँ गए? हाँ अगर लैपटॉप है से उतर रहे,
पैसे काढणं काय माहिती 100 काढून ठेव किती 40 पता नहीं था यहाँ पर कैसे क्या है ऐसा हमें लगता है वापस मैप ओपन करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मेरे गांव में आ गया असं वाटतं पूर्ण गावात आला सारखं हाँ कोणता तोच आहे हा मला दिसतो ना तोच आहे रायडर भाईचा हा ग तोच आहे रस्ता पूर्ण बहुत आ रही मजा बहुत आ रही है इकडना की तिकडना होता इकडना तर की तिकडना होता काय माहिती नक्की बरोबर तिकडनंच होतं तिकडनंच होतं गाइस आपण थोडासा आगे आ चुके यहां से लेना पड़ा ये यू टर्न अपने को वहां से आके सीधा उधर से राइट लेना था पर हम ध्यान नहीं दिया और आगे आ गए यहां से लेते लेफ्ट रोड था पहले इससे भी बहुत खतरनाक रोड था यहाँ पर तो साइन बोर्ड भी नहीं है इकडून इकडून तिकडे काय किंडम आहे का
वो देखो गाइस, पोगोड़ा टेम्पल, पोगोड़ा टेम्पल। एंट्री गेट है, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से जाएंगे अंदर।